मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, आज मुझे यह वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों की उपेक्षा तथा शासन प्रशासन की गलत नीतियों को उजागर करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार बार यह दावा किया गया कि शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रदेश के शासकीय शालाओं में निरंतर अत्यंत अल्प वेतन में 12 वर्ष से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को क्या इसका वास्तविक लाभ मिल पा रहा है, या फिर 25% आरक्षण के नाम पर केवल कोरी आंकड़ेबाजी की जा रही है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं और यह दावे से कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए किया गया यह आरक्षण केवल एक दिखावा है, इसका अतिथि शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रिय साथियों, जैसा आपको विदित है कि 30 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण के नियम 11 के उपनियम 7(4) के अनुसार यह प्रावधान है कि शैक्षिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अति शिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। शिक्षक भर्ती के तहत जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के प्रावधिक चयन सूची में 2 प्रकार की सूचियां अतिथि शिक्षक अर्थात गेस्ट टीचर एवं अन्य अभ्यर्थी अर्थात नॉन गेस्ट कैंडिडेट से बनाई गई, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस प्रक्रिया में क्या त्रुटिपूर्ण है, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। माना किसी विषय के किसी संवर्ग के लिए कुल 20 पद हैं, तो इस नियम से 75% पद कुल 15 पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि अन्य अभ्यर्थियों के पदों से आशय यह है कि इन पदों में गेस्ट टीचर तथा नॉन गेस्ट कैंडिडेट दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। शेष 25% पद अर्थात कुल 5 पद जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, गेस्ट टीचर से भरे जाएंगे। अब अतिथि शिक्षकों के साथ षड्यंत्र किस प्रकार हुआ, इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, विषय जिसमें कुल 20 पद हैं की एकीकृत वरीयता सूची यूनिफाइड प्रायोरिटी लिस्ट के नियम में निम्नानुसार वरीयता क्रम में कुल 30 नाम हैं। इस सूची में सम्मिलित नामों का क्रम प्राप्तांकों के घटते क्रम में है, अर्थात सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम नंबर 1 पर है तथा न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का नाम 30 नंबर पर है। एकीकृत वरीयता सूची में गेस्ट टीचर और नॉन गेस्ट टीचर दोनों सम्मिलित हैं। माना इस सूची में पहले, तीसरे, 8वें, 10वें, 14वें, 16वें, 21वें, 23वें, 25वें तथा 26वें स्थान पर चयनित अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक है। इस सूची में हमें पृथक पृथक 2 सूचियां 75 तथा 25% की तैयार करनी है। इस प्रकार कुल 20 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस आरक्षण व्यवस्था में चालाकी कहां की गई, इसे समझते हैं। एकीकृत सूची से गेस्ट टीचर के लिए 25% पदों की सूची पहले तैयार की गई तथा अन्य अभ्यर्थियों के 75% पदों की सूची बाद में बनाई गई। आपका प्रश्न हो सकता है कि पहले और बाद में से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि सारा खेल पहले और बाद का ही है। इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा कि पहले कौन सी सूची तैयार की गई, क्योंकि पहली सूची में नाम सम्मिलित हो जाने पर
दूसरी सूची से उसका नाम पृथक कर दिया जाएगा। इस सूची में चयनित उच्च अंक प्राप्त करने वाले अतिथि शिक्षक यथा रमेश, राकेश, धीरेंद्र, विभा, समिता से 25% अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की सूची बना दी गई। इसके बाद एकीकृत सूची से 25% की सूची में चयनित अतिथि शिक्षकों का नाम हटाते हुए सूची से क्रमशः कुल 15 लोगों का चयन अन्य अभ्यर्थियों की 75% पदों की सूची के लिए किया गया। इससे हुआ क्या, जिन अतिथि शिक्षकों का चयन 25% आरक्षित पदों के लिए किया गया है, उन सभी का नाम कुल स्वीकृत पदों की संख्या के भीतर है और उनका चयन अन्य अभ्यर्थियों की सूची में ही हो रहा है। इस प्रकार यह आरक्षण यदि हटा भी दिया जाए तो जिन अतिथि शिक्षकों का चयन आरक्षित कोटे में दिखाया गया है, बिना आरक्षण के भी उनका चयन होगा। यहां मेरा शासन तथा प्रशासन से प्रश्न है कि जिस आरक्षण का अतिथि शिक्षकों को कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर इस 25% आरक्षण के दिखावे की आवश्यकता क्या है? होना यह चाहिए कि अन्य अभ्यर्थियों की सूची पहले बननी चाहिए। नियमानुसार जिस प्रकार अनारक्षित वर्ग की सूची पहले बनने का प्रावधान है, उसी तरह अन्य अभ्यर्थियों की 75% पदों की सूची पहले बननी चाहिए। अब देखते हैं इस प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का वास्तविक लाभ किस प्रकार होगा। एक बार फिर हम अपनी उसी एकीकृत वरीयता सूची को देखते हैं। अब इस सूची में हम 75% पदों की सूची पहले बनाते हैं, तो 1 से 15 क्रमांक तक के अभ्यर्थी इस सूची में आ जाएंगे। इसमें वे अतिथि शिक्षक भी आ जाएंगे जिनका नाम क्रमांक 1 से क्रमांक 15 के बीच में है। इस प्रकार अधिक अंक लाने वाले अतिथि शिक्षकों को 75% अन्य अभ्यर्थियों की सूची में स्थान मिलेगा, क्योंकि अनारक्षित पदों की सूची में वे अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं जो आरक्षित वर्ग के होते हैं, किंतु वरीयता क्रम में उनका नाम अनारक्षित पदों की सूची में सम्मिलित होता है। इस सिद्धांत के आधार पर वरीयता क्रम से अतिथि शिक्षकों को 75% पदों की सूची में स्थान देते हुए 25% की सूची शेष अतिथि शिक्षकों से तैयार करने पर 25% पदों के आरक्षण का वास्तविक लाभ अतिथि शिक्षकों को मिल सकेगा। इस आधार पर 16वें, 21वें, 23वें, 25वें तथा 26वें नंबर पर चयनित अतिथि शिक्षक यथा गोल्डन, देवेंद्र, रुचि, सुनील और अर्जुन को 25% की सूची में स्थान मिलेगा। इस प्रकार अतिथि शिक्षकों को इस आरक्षण व्यवस्था का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। अतः शासन एवं प्रशासन से निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों को आरक्षण व्यवस्था का वास्तविक लाभ दिया जाए।